सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सीजी एक्सप्रेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। हर हर में उसके नाम का दिया जलता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस इंसान की पहचान एक आम आदमी के मस्तिष्क पर, दिल पर है और उसको हजारों लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पैरा स्पोर्ट्स, इससे अच्छा मौका हमारे पैरालंपिक स्पोर्ट्स को नहीं मिल सकता इसकी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि लोग उन्हें चाहते हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं और जिस इनिशिएटिव्स, जिन चीज़ों के साथ वो जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली उसकी अवेयरनेस चौगुनी, मैं तो कहती हूँ बहुत गुनी बढ़ जाती है। और यही एक पहचान है जो अब तक हमें मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स होते हुए भी और एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट होते हुए भी, अब हमारे खेल कोई अपंग व्यक्तियों के चैरिटी स्पोर्ट्स नहीं है, दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। हम लोग जब क्लबिंग में खेलते हैं तो हमें अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर खेलना होता है, तो अगर छोटे से छोटा भी कोई इवेंट होता है उसे भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड पे खेलते हैं और कॉम्पिटिशन इतना स्ट्रॉन्ग है बाहर बेहतरीन रूप से पहचाने का। सम्मानित किया जा रहा है तो ये बड़े गौरव की बात है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, तो इस ओकेजन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी शुभकामनाओं की हमें बहुत ज़रूरत है। आप हमारे गेम्स को देखते रहिए, हम सब लोग मिलकर पैरा एशियन गेम्स जकार्ता के लिए जाने वाले हैं दो चार दिनों में। सम्मान समारोह शायद मैं इसे नहीं कहूँगी, मैं इसे कहूँगी विदाई समारोह, एक ऑल द बेस्ट समारोह जिसमें हमें बहुत इज्जत के साथ खूब सारे जोश भर के हमें भेजा जा रहा है कि हम जाएं और अपने तिरंगे झंडे को ऊंचा करें, देश के लिए बहुत सारे मेडल जीतें और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब ऊंचा करें। तो अभी जो है दो तीन दिन बाद जाने वाले हैं। जी जी, ठीक है। तो आपने क्या क्या उसके लिए तैयारियाँ की हैं पहले से ही और क्या क्या तैयारियाँ? ओहो, तैयारियाँ तो हमने, बट बहुत अच्छी बात है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो हमारी कमेटी है, राव इंद्रजीत सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और तमाम जो हमारा स्टाफ है, इस बार बहुत अच्छा चयन किया गया है, बहुत अच्छे खिलाड़ियों को चुना गया है जिनकी बहुत अच्छी एशियन रैंकिंग है और तैयारी में बहुत सारा सपोर्ट है, कैंप लगे हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी हमें मिली है और अलग अलग शहरों में कैंप लगे हैं, जो चयन का प्रोसेस है वो भी बड़ा अच्छा फेयर रहा है और बहुत सारे नए खिलाड़ी उभर कर आए हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि रियो के बाद अचानक इन दो सालों में इतना बेहतरीन टैलेंट उभर कर आगे आया है। तो हम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत एक उम्दा और सबसे बेहतरीन पैरा एशियन गेम्स अब होएगा इस साल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका थैंक यू, शुभकामनाएं आपके।